1857 में सुना था गोमांस होने के वजह से बहुत बड़ा क्रांति हुई। उसके बाद अब तिरुपति की जो लड्डू की बात हुई, ये बहुत बड़ा आघात पहुंचाया है करोड़ों हिंदुओं के आस्था पर, उनके दिल में। ये जो चोट जो है, ये अक्षुण्य अपराध है, जो भी इसमें शामिल है, प्रत्यक्ष और परोक्ष इसमें शामिल है, उन सबको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। हमें निगाह रखनी पड़ेगी इन सब चीजों में, और धर्माचार्यों के हाथ में हिंदू मंदिर होना आवश्यक है। एक सरकारी ऑफिसर भी उसमें रहे, मगर उनका पात्र कम होना चाहिए, धर्माचार्यों का निर्णय, और उनके हाथ में पूरे भारत के जितने भी मंदिर है इनके पास होना चाहिए। अब ये आवश्यक है कि इन मंदिरों में स्वार्थी लोग, ऐसे ऐसे लोग घुस जाते हैं व्यापार के दृष्टि से, उनको ना आस्था से ना कुछ लेना देना है, ना भक्ति है, ना ज्ञान है, बस वहां के पैसे दिखते हैं और इस तरह के हरकतें करने लगते हैं, उसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं। यह समय है कि सारे हिंदू मंदिर भारत के धर्म गुरुओं, आध्यात्मिक गुरुओं के निगाह में चलनी चाहिए। और इतना ही नहीं, बाजार में जो भी वस्तु बिकाव में है उसमें जिस किसी तरह से भी मिलावट हो, और उन सबको खड़ी से खड़ी सजा होनी चाहिए। देखिए, लोग बाजार में जाते हैं, खरीदते हैं, सामान खरीदते हैं, उसकी शुद्धता पर विश्वास करते हैं, और इस तरह के वहां पर मांस की चीजें घी में और चीजों में पड़ जाए, ये तो बहुत बड़ा अपराध है, लोगों के साथ धोखा है। एकदम इस पर कड़ी नियंत्रण होना आवश्यक है, मैं समझता हूँ।